तो वहाँ पे फोन वोन दिखाना थोड़ा उन लोगों की उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। यूज करके मैजिक करते हैं, ज्यादा लोग इधर नहीं आते, आपको दिखाना है तो अनरियल भाई, ये वर्थ इट है। तो गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक नए दिन में। अभी मैं एक दूसरी जगह आया हूँ, वैसे तो प्लान अभी तक था कि हम लोग निकल जाएंगे, पर एक वीडियो आई होगी आपको ख्याल होगा कि मैं क्यों रुका हुआ हूँ अभी भी गुवाहाटी में। अभी एक जगह और बाकी थी, गांधी मंडप जा रहा हूँ अभी मैं। कल मेरे हॉस्टल में कुछ नए लोग आए हैं और उनसे रात को बात कर रहा था, तो उन्होंने ये जगह देख के आई और वो बोल रहे थे कि अच्छी जगह है, क्योंकि मेरे को कला खात्रो ज़्यादा पसंद आया था, तो उन्होंने बोला कि ये भी जगह पसंद आई। वो लोग कल ही जाके आए थे, तो मैंने उनको पूछा नहीं कि तुम लोग आ रहे हो या नहीं, मेरे को लगा नहीं आएंगे, कल ही जाके आए, पर अभी उसका फ़ोन आया तो मेरे को कहता है कि रुक जा, अपन तीनों साथ में चलेंगे, वो और उसके साथ एक और बंदा है, वो दोनों आएंगे। तो अभी मैंने चलना शुरू कर दिया है। मैंने उन लोगों को फ़ोन किया कि कितनी देर लगेगी, उन लोगों ने कहा कि बस निकल ही रहे हैं, तो मैंने उन लोगों को बोला कि मैं धीरे धीरे चढ़ना शुरू करता हूँ, तब तक तुम लोग आओ। कोयल, ऑलमोस्ट आधे रास्ते पहुंच गया हूं मैं और अभी तक ये लोग नहीं आए। अच्छा हुआ निकल गया, वेट करता तो बहुत देर लग जाती। यहां से व्यू बढ़िया आ रहा है, नीचे का सारा सिटी व्यू है, ऊपर जाके इससे भी बेहतर दिख सकता है। अरे यहां से जगह खुली है, देखो यहां से बढ़िया आएगा। स्टेडियम है शायद वहाँ पे, अच्छा सीढ़ियाँ कितनी मस्त बनाई हुई है ऊपर जाने के लिए। वहाँ से सन दिख रहा है थोड़ा सा, सनराइज़ देखने तो वैसे मैं कल गया था, शायद आपने वो वाला वीडियो देखा भी होगा। यहाँ जल्दी आना चाहिए था, यहाँ तो मेरा प्लान भी नहीं था आने का, वो तो बस वो कल मेरे हॉस्टल मेट से थोड़ा बहुत बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि ये वाली जगह अच्छी है, ये वाली जगह सही है, व्यू भी अच्छा है, तो मैंने क्या कि ठीक है जाके आते हैं, टाइम किल करने से अच्छा क्या करें, क्योंकि 1:30 बजे तक एक मेरा काम है वो ख़त्म नहीं होगा, तब तक मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, इसलिए बेहतर एक घूम के जाऊँ। यहाँ से रास्ता जाता है नीचे की तरफ, किसके घर की तरफ जाता होगा मेरे ख्याल से, ऊपर जाने का एक ही रास्ता ना। और ये लिटरली ट्रैकिंग जैसा ही है, इंक्लाइन पे समझ लो आप, फुल इंक्लाइन करके ट्रेडमिल पे चल रहे हो वैसा है, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे ख्याल से। हॉस्टल से निकला था तब मेरे को पहाड़ के नीचे तक तो किसी बंदे ने लिफ्ट दे दी थी, तो उतना चलना कम हो गया। ऊपर भी अगर मैं उन लोग की वेट करता तो उन लोग ने बाइक रेंट करी हुई है, हम साथ में चले जाते, पर कब आएंगे क्या आएंगे पता नहीं है, इसलिए मैं निकल आया। ये लोग आ चुके हैं, थोड़ी ट्रैकिंग कम हुई मेरी कंपनी। गेट, बाइक तो बढ़िया है यार भाई, गेट वगैरह तो बंद है। 8 बजे तक ही बराबर, मतलब इससे ऊंचा कोई फ्लैग ही नहीं है इंडिया में अकॉर्डिंग टू लैंड डिलीवरी, इससे ऊंचा बराबर राजीव गांधी का जो रेस्टिंग प्लेस है वहाँ पे सबसे ऊंचा फ्लैग इंडिया का ऑन लाइन, सिर्फ अगर फ्लैग की हाइट का अकाउंट करें। पेरम्बूर में हाईएस्ट फ्लैग पोस्ट इन इंडिया वो है 250। हाँ अरे मैं अभी रास्ते में जाके आया एक शिव मंदिर, यहाँ पे भी चल लेते हैं, मैं भी चलते वक्त रास्ते में भी एक मंदिर जाके आया ही था, छुट्टे नहीं है। ये मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, आप ही चलूँगा तो शिव जी जी ना, तो है ना जरा रखा करो, मेरे को यहाँ से नीचे तक एटीएम ढूंढने जाना पड़ा। क्या बात कर रहा है, कोई भी आ रहा है गुवाहाटी से इधर जरूर आई है। ये रोहित है भाई, बढ़िया बंदा है। प्रणव वो जो दूसरा बंदा वो कह रहा था कि इसका कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस है, देखते हैं क्या है। और यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, यहाँ पे शो वगैरह होता है, लेजर शो, ये लोग कल शाम को भी आए थे तो लेजर शो होता है वहाँ पे, शायद उसके लिए सिटिंग वगैरह है। देखो भाई, इंडियाज़ टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग फ्रॉम एवरेज एलिवेशन ऑफ सिटी, सिटी के ऊपर काफ़ी ऊपर है भाई। और वहाँ टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग, अरे यहाँ पर डिटेल्स वगैरह लिखे हुए हैं, यहाँ से बहुत बेहतर व्यू है भाई। वो वाला है उमानंदा जहाँ पर हम फर्स्ट डे गए थे,
वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड ये रहा। अभी हम टोटली ऑपोजिट है उसके, खेलो इंडिया जहाँ पे चल रहा है वो यही स्टेडियम है। अरे कल मैं उसी के सामने था, फिर फोन वोन बनाने मैंने उसी के सामने दिया है। फोन में क्या हो गया? अरे पता नहीं, एक बार डेड हुआ, एंड्रॉयड फ़ोन था मेरा, तो डेड हुआ, उसमें सारा काम का डेटा वगैरह है, तो उसी के लिए रुका हुआ मैं, वरना कल तो मैं चल निकल जाता। इधर सिर्फ व्यू व्यू है, अभी म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम चलते हैं। तो म्यूज़ियम देख के हो गया, अभी हम एक दो दूसरी जगह जाने का प्लान कर रहे हैं। म्यूज़ियम ठीक था, थोड़ी बहुत चीज़ें बताई हुई थी गांधी जी के बारे में, जो हम लोग तो पढ़ते ही आ रहे हैं तो हमको पता ही होगा। तो अभी थोड़ा कुछ ब्रंच करने के लिए हम वापस हॉस्टल आए हैं। हॉस्टल डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, उसके बाद हम निकलेंगे। चलो एक दूसरे रेंटल लेने जा रहे हैं, अभी मायोंग जाने का प्लान है, देखते हैं कैसे चल जाता है। रोहित ये पीछे भी यहाँ पे फुल नेम साइन ना, नहीं तो ब्रो बाल का सिर्फ आज इतने ट्रैफिक। कितना टाइम हुआ है? स्कूटी रेंट कर ली है अभी, तो जाते हैं हॉस्टल वापस। ये भाई बहुत एडवेंचर है, कुछ भी करवा रहा है ये अभी। मैं तेरे को ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं करता ही नहीं भाई। चुपचाप आया हूँ, चुपचाप चले जाता हूँ। तो मैं, प्रणव, एलेन और रोहित जो है अभी ऊपर गया है, हम चारों जा रहे हैं मयोंग। उससे पहले हम लोग खा पी के जाएंगे, रोहित ऊपर से आ रहा है। ये राजेश है ना, हम निकल रहे हैं मयोंग के लिए, मेरा भाई और प्रणव भी निकल रहे हैं। तो अब मैं बैठने जा रही हूँ स्कूटी पे, और ये निकाला स्कूटी, अभी क्या करो? नहीं याद है मेरे को। तो अभी हम मयोंग के लिए निकल रहे हैं, प्रणव और रोहित भी तैयार है। हम लोग ने थोड़ा बहुत ब्रंच जैसा कर लिया, बिस्किट ही खाइए वैसे तो, अभी आगे जाके लंच वहीं पर करेंगे। एक घंटे का रास्ता है, देखते हैं कितने वक्त में पहुँचेंगे। अभी के लिए बज रहे हैं 12:30, कितने बजे पहुँच रहे देखते हैं। उल्टा पुल्टा दिखा रहा होगा, देखो फिर रुक जाओ। हो गया, स्टार्ट करो, पैसे देना भूल गया। यहाँ पे अभी एक रुके हैं, पीछे आप देखो तो आपको सारा वो एग्रीकल्चरल लैंड और वो सब दिखेगा। क्या वो येलो फूल को क्या कहते हैं? येलो फूल पर वो यहाँ पे है क्या? ये देख ना, ये क्या चीज है? पूरा ब्रह्मपुत्र है और उसके जस्ट साइड में एग्रीकल्चर। अच्छा, नीचे चलते हैं, आ जा। ये यहाँ से ना रिवर है सारी, और ये रिवर से लग के ये सारा फार्मिंग एरिया। ड्राइव में कंफर्ट है तेरा हमेशा? तो ये भाई बहुत बड़ा फैन है ड्राइविंग और ये सब का, ये कहता है कि अगर ट्रैवलिंग ड्राइव करके नहीं करो तो वो ट्रैवलिंग कंसिडर ही नहीं करते हैं। और ऐसे बीच में रुक रुक के कहीं भी फ़ोटोज़ वगैरह भी खींचता है और स्पॉट वगैरह भी। ये चीज़ वैसे इंटरेस्टिंग तो है, पर इसमें वक्त काफ़ी लगेगा मेरे ख्याल से, इतना वक्त। और कन्वीनियंस थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पे कोई बस वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। आपको जैसे हमने अभी स्कूटी रेंट करी है, इसने बाइक रेंट करी है, तो हम चार लोग हैं इसलिए हो जाता है। अकेले अगर आप हो तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, पर एडवेंचर तो है।
वापस निकल चुका है, अभी रोहित चला रहा है स्कूटर और आई थिंक 20 किलोमीटर थोड़ा और दूर है, देखते हैं कितने बजे तक। डेढ़ तो ऑलरेडी बच चुके हैं, हम लोग को लगा था 1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, पर इन टोटल आई थिंक 40 किलोमीटर दूर है। म्यूजियम कहाँ पे? म्यूजियम तो कुबिद्रा में। कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर होगा? तो लो जो लोकेशन बता रहा है वो वहीं का है शायद। बास है? बास? बास क्या है? रोहित देगा। रोहित तेरे दोस्त को भी लेके चलते हैं। यहाँ से हमको जहाँ जाना है वो 5 किलोमीटर और ज़्यादा दूर है, अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय वगैरह पियेंगे फिर निकलेंगे। चिल मॉल एकदम। अब हम खा रहे हैं यहाँ की चाय पकौड़ा, ये है कार्बी चाय पकौड़ा आसाम का। अभी खा के बताओ रिएक्शन। पकौड़ा है इंग्लिश में क्या? ये है नोरेंगो पातर पकौड़ा। पात का मतलब होते पत्ता। आ, पात्रे जैसा। अच्छा है, पात्रे नहीं पत्ता, पत्ता लीफ। पात्रा बोलते हैं उसको। बोलते हैं ना। पालक के पत्ते का है। नहीं पालक नहीं है। बोलते हैं मुँह में पत्ता ही आ रहा है। अचार है क्या? ये बस आपको मिलेगा आसाम पे है, ये है मिमी, इसको हम लोग बोलते हैं वाई वाई भी, यम्मी मिमी। ये हर जगह मिलता है, हमारे वहाँ भी मिलता है। नहीं मिलता है, मिलता है। सूरत आए हो आप? ये मिलता है भाई हमारे स्कूल के डिस्पोजल में, ये बच्चे लोग ऐसे हाथ भर भर के लेके आते हैं। अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना, ठीक है? उसको पहले तेरे को ये डिस्क्राइब करना है इसमें क्या है और इसकी स्पेशलिटी क्या है। कच्ची सुपारी होती है। हां कच्ची सुपारी है, तामुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगह पे है चाय, चाय से पहले ये बस यही है। मेरे पे तो बता क्या है, कैसे खाना है? देखो ये तामुल, ये है पान। आसाम का स्पेशलिटी, आसाम की खास। अच्छा। आप जिसके भी घर जाओगे आपको तामुल तो खाना ही है, पक्का तामुल खिलाएगा आपको। आसाम नहीं आए और तामुल नहीं खाया ये बात ही नहीं हो सकता। आसाम आओगे तो तामुल बस ट्राई करना जरूर। धन्यवाद। चलो अभी निकल रहे हैं और अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। 15-20 मिनट का रास्ता है, नाप देते हैं। अभी हम मायोंग वाले रास्ते पे थे, बीच में एक म्यूजियम आया है वो देखने के लिए रुक गए। जैसे आप देख सकते हैं ये हम लोग का मायोंग विलेज म्यूजियम और रिसर्च सेंटर है। हाँ, इसका गेट वेट कुछ नहीं था भाई, ये टाप के आए हैं। वैसे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन जाएगा ये भी कोई नहीं। ये जो असल ना, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल क्या है? ये बुले क्या है? ये बफेलो। बफेलो अंदर जा रहे हैं हम लोग का स्टूडेंट है, हम सब स्टूडेंट। ये चीज़ है ना राइनो स्किन से बनी हुई है, ये शील्ड। ये वाली स्टोरी पढ़ना अगर आपको जाननी हो तो, ये हाथी का पेल्विक है और ये फीमर। मैंगो सीड nails and head of a tortoise, head of a lizard. ये rhino का है और ये trap वगैरह जो बिछाते हैं वो है। देखो इस तरीके से कुछ वो लोग trap बिछा के tiger वगैरह मारते हैं। यहाँ पे है ना ये लोग कुछ अलग अलग चीज़ें यूज़ करके magic करते हैं, तो वो magic करने के लिए लोग काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उनमें ये चीज़ें कुछ हैं। उसमें से एक ये भी है, हेड ऑफ ओरिएंटल रैटल स्नेक। एक हार्ट ऑफ नाउ, बैकबोन ऑफ अ कोबरा, टूथ ऑफ अ टाइगर, ओह भाई, फ्लैश ऑफ फ्लाइंग फॉक्स। चैलेंजर फेडवेट का भी देखते हैं भाई ये लोग।
आउल का हार्ट, टाइगर का तीर, ताड़ के पत्तों के मंत्र जो होते हैं, इनके मंत्र ये सारे उर्जु आपको दिखाना जरूर था मैंने। आप ये मैं आसाम में जितने ब्लॉगर्स हो गए ना, किसी ने भी अभी तक नहीं दिखाया, सर्च करके देखो। ये भाई काफी लोकल चीज है, मेरे को बहुत लेट पता चला, मैं नहीं आपको पता चला आसाम में जितने बोल सकते हैं अनटच्ड अनटच्ड नहीं बोल, ज्यादा लोग इधर नहीं आते। मिस आपको दिखाना है तो दिखा सकते हैं, जैसे आसाम के कल्चर लोग, जैसे हम लोग होते हैं अनबिलीवेबल प्लेस, कितने पुराने पुराने कल्चर लोग रखा हुआ है इधर के, संभाल के रखा है इधर, आइए एंजॉय कीजिए, आसाम का कल्चर को समझिए और अपने जगह में जाके समझाइए भी अपने लोगों को। ये जो लिखा हुआ है ना, वो ये लोग ये टाइगर को नेट में ट्रैप जो करते हैं वो सारा मंत्र के बेसिस पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोग को कोई हथियार वगैरह मारते हैं, उन लोग को ये सब मंत्र वगैरह से ऐसा ट्रैप करते हैं नेट के अंदर। उसकी सारी स्टोरी ये यहाँ पे लिखी हुई है, पर रफ रफ ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। ये जो किंग है वो घटोत्कच के डिसेंडेंट्स है। अगर आप लोग ने महाभारत ना महाभारत में देखा होगा, घटोत्कच जो कि भीम के सन होते हैं ना, उनके डिसेंडेंट्स हैं यहाँ पे। और ये जो सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, यहाँ पे फोटो भी दिखाया हुआ है मेजर साइट्स का। और ये जैसे वो लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करके क्योर करते हैं लोगों को, अभी जाएंगे वहाँ, प्रणव वहाँ भी लेके जा रहा है भाई। ये थोड़ा रिस्की वाला ही बंदा है भाई ये। वाइब बड़ी चिल है म्यूजियम की, कोई आपको टूरिस्ट वगैरह इतने ज़्यादा दिखेंगे नहीं, गेट भी नहीं है भाई, हम तो वो पतरा कूद के आए हैं। रोहित को पूछो पिकनिक स्पॉट ऑफ एक जगह का नाम था क्या था वो जगह, सनोका, पिकनिक स्पॉट ऑफ सनोका। यार फालतू ही कूद के आए थे हम तो, जब गए थे हम लोग इतना ऊपर ऊपर से कूद के गए थे, ये पत्रा ऐसे बस आड़ा लगा हुआ है। इधर कह रहे हैं सोनोखा, वो जिधर से आए थे इधर थोड़ा राइड करते हैं, सोनोखा चलते हैं। बाय द वे आप सब देख सकते हैं यहाँ पे गांव एरिया है, चनाका बोलने वाला जगह पूरा एरिया। बाय द वे खेती वेती करते हैं, और देखिए पहाड़ भी सामने ही है पीछे घर के पीछे, मौसम देख सकते हैं कितना प्यारा है मौसम। और हमारे ब्लॉगर राजेश बाबू उधर ही है, दिखा देता जूम करके थोड़ा, वो रहा हम लोग राजेश बाबू। मौसम प्यारा है, जो बोलो ना बोला, मुझे मौसम से प्यार हो गया यार। तो गाइस हम लोग जिस काम से गए थे वो काम हो गया, तो वहाँ पे फ़ोन वोन दिखाना थोड़ा उन लोगों की, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोग का काम तो हो गया। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हम लोग ऑन द वे, उन्होंने सर से चला रहे हैं, सर से थोड़ा एक स्माइल ले दो, चलो चलो बाय, बाद में मिलते हैं। तो भाई अभी वापस जाते वक्त हम लोग को सनसेट पकड़ना था, और सनसेट देखो कैसा मिला। अनरियल भाई, ये वर्थ इट है, मतलब बाकी सब चीजें छोड़ के यहाँ आना, बाइक रेंट करना दूसरी जगह, सब कुछ वर्थ इट है, देखो तो सही भाई। भाई व्यू वगैरह सब देख लिया, अभी गाड़ी चला के वापस जा रहे हैं। ये सैंड में से गाड़ी मैं एक हाथ से चला रहा हूँ, और भाई गजब था, ये रोड ट्रिप बार बार करनी चाहिए। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही रूट पे इतना मज़ा आएगा, पर
देख के जाओ, प्लान करके जाओ, कुछ दोस्तों के साथ जाओ तो बहुत मजा आएगा। क्या बोलता है रोहित, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ ढेर सारा प्यार हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। चलो भैया आज फोन वापस लेने आ गए हैं, कुछ ठीक तो हुआ नहीं। ला भैया उसके सारे पार्ट्स वार्ट्स तो सही है ना, अगर मैं कहीं और दिखाऊं तो वो देख सकता है ना। आपके हिसाब से क्या है इसमें? मेरा हिसाब से मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। डेटा नहीं रिट्रीव होगा। चलो ठीक है, मदरबोर्ड चेंज करने का कह रहा है ये, और उसमें डेटा नहीं बचेगा। सूरज जाके दिखाऊंगा इसको।